हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव एक्सपो। आज हम देखने वाले हैं क्रेटा का टॉप एंड वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक में। इस वीडियो में हम इस कार का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इसके फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंजन स्पेक्स तो मैंने आपको हर वीडियो में बता ही दिए हैं क्रेटा के, इस वीडियो में शायद बता दूँ। बाकी देखते हैं कि आपको SX वेरियंट से इसमें क्या क्या आपको फालतू मिल जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम इस कार के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको मिलते हैं ट्रायोबीम LED हेडलैम्प्स, जिसमें आपको ये मिलते हैं डे टाइम रनिंग DRLs, जो आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे एंड होंगे। और आप कभी भी आप ध्यान से नोटिस करें तो जो ई वेरियंट EX और S में भी शायद आपको जो ये DRLs मिलते हैं, ये काफ़ी पतले मिलते हैं और इसमें आपको बहुत ब्रॉड मिल रहे हैं। इनकी रात में जो लुक होती है वो काफ़ी ब्राइट होती है। और नीचे इसमें हम देखें तो नीचे इसमें आपको मिलते हैं फॉग लैंप्स विद इंडिकेटर्स। और EX वेरियंट में आपको ये नहीं मिलते हैं, टॉप एंड वेरियंट इसमें तो मिलने ही मिलने हैं। ये इसकी सेंटर ग्रिल है, जिस पे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलती है। यहाँ पे आपको क्रोम सराउंडिंग्स मिलती हैं पूरी फ्रंट ग्रिल पे। सेंटर में आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है। ये इसकी लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट है। नीचे आपको यहाँ रेडिएटर ग्रिल मिलती है। फ्रंट बम्पर के बॉटम पे आपको सिल्वर स्किड प्लेट भी मिल जाएगी। हम इस कार की साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको मिलते हैं क्रोम डोर हैंडल्स। बॉडी कलर आपको इसमें ORVMs मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। और कीलेस एंट्री तो आपको पैसेंजर साइड मिलती ही नहीं है Hyundai कार में। ये इसकी रेयर प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको वही LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो S वेरिएंट से आना स्टार्ट होते हैं। रेयर वाइपर और डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। ये इसका शार्प पेन एंटीना है। रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर में मिलती हैं। इस पर आपको देख सकते हैं कॉशन लिखा, डू नॉट अप्लाई लोड। और रेयर में आपको सेफ्टी की लेस में मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद 4 पार्किंग सेंसर्स। पीछे आपको इसमें रेयर बम्पर के बॉटम पे मिलेंगी 2 रिवर्स पार्किंग लाइट्स विद 2 डमी रिफ्लेक्टर्स। एक सिल्वर स्किड प्लेट भी आपको मिल जाएगी बम्पर के बॉटम पे। और आपको साइड में भी सिल्वर स्किड प्लेट्स मिलेंगी लेफ्ट और राइट। और ये जो हम वेरियंट देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये डीजल वेरियंट है। बाकी टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको कंपनी की तरफ से कोई क्रोम गार्निश नहीं मिलती है, विंडो क्रोम गार्निश। अब एक फीचर और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे साइड मिरर इसके बंद है, देखिए आप, मैं कार के पास जाऊँगा, मेरी जेब में कीज पड़ी हैं तो ये खुल गए। अब मैं वापस पीछे जा रहा हूँ कार से, थोड़ा इतने पे हो जाने चाहिए वैसे तो, पर अभी नहीं हो, और जाऊँ क्या? देखिए हो गए। अब मैं कार के पास जाता हूँ वापस, ये खुल गए हैं। और नीचे इसमें आपको मिलते हैं इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिसका आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है। लोग ई वेरिएंट लेके आफ्टर मार्केट यही लगवा लेते हैं, Hyundai के ओरिजिनल मिल जा रहे हैं, मिलते हैं आजकल। बाकी इनका टायर साइज आपको पता ही है, 215/60 R17। फ्रंट में इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइडेड है। रेयर में भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी जो SX वेरिएंट से आना शुरू हो जाती हैं। और रेयर में आपको बोर्ड पे यहाँ पे SX की बैजिंग मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ, क्योंकि जो मेन चीज, हाँ, ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको राइट फेंडर पे ही खाली ऑटो लिखा मिलेगा, लेफ्ट फेंडर पे आपको नहीं मिलेगा। ये इसका ड्राइवर साइड डोर है, जिसपे आपको मिलते हैं चारों पावर विंडो से कंट्रोल्स, ORVMs के इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल कंट्रोल्स। यहाँ से ये तो जॉयस्टिक हो गई, कई कारों में जैसे ऊंचे वाली आती है, इसमें ऐसे आ रही है। इससे आप जैसे मेरे लेफ्ट हुआ पड़ा है ORVM, तो लेफ्ट वाले ही ORVM एडजस्ट होगा, राइट वाले को अप कर दिया तो अब राइट वाला होगा। इससे कईयों में जॉयस्टिक जो होती है उसको आपको पहले लेफ्ट करना है, फिर उसको आगे पीछे हिला के जो इससे हो जाता है, ये चीज़ काफ़ी आसान है। इससे बस चूज़ करो और फटाफट हो जाएगा। आप इससे अपने ORVMs ओपन या क्लोज कर सकते हैं इस बटन से, फोल्ड अनफोल्ड, या अपनी कार को ये देखिए, ये लॉक और अनलॉक। बाकी जेब में चाबी पड़ी तो गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो रही है। ये चारों पावर विंडो से कंट्रोल हो गए, पावर विंडो लॉक अनलॉक करने कंट्रोल हो गए। बाकी आपको डोर हैंडल तो सिल्वर कलर में मिलेगा। हाँ, इस कार में आपको बॉस के स्पीकर भी मिल रहे हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। एक चीज़ और, मैं आपको ड्राइविंग सीट दिखाना भूल गया। ड्राइविंग सीट इसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिकली हाइट एंड बैक एडजस्टेबल। यहाँ से आप अपनी इसकी बैक एडजस्ट कर पाएंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं। अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे ऊपर भी आएगा और पीछे भी जाएगा। आपको आगे करनी है तो आप आगे ऐसे भी कर सकते हैं। वो बेल्ट कैसे इसके नीचे फंसी हुई, ये क्या है? तो ये क्या मतलब है?
तो फंस गई है यहाँ, इसने उतारी है बेल्ट, फंसा दी ऊपर। मैं को नई गाड़ी की बेल्ट कैसे खराब हुई पड़ी है, फोल्ड ही नहीं हो रही अंदर। हाँ एक मिनट, सीट थोड़ी पीछे करते हैं पहले, चलो। हाँ किससे तो जो ये मैनुअल वाला है ना, ऐसे खींचो पीछे एकदम, इसमें इतनी स्लो होती है। बाकी फीचर ही है भैया, कोई बात नहीं। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जो आपको लेदर रैप मिलता है, या लेदर स्ट्रिप कह लीजिए। बाकी क्वालिटी तो इतनी मस्त है, मज़ा आता है इसको पकड़ने में बड़ा। ग्रिप बहुत अच्छी आएगी। पैडल शिफ्टर से आपको पता चल गया ऑटोमेटिक वेरिएंट है, बाकी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट पे आपको मिलते हैं आपके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, फ़ोन उठाना है काटना है, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज या गाना चेंज करना है, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे मोड के फीचर हो गए। यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल और बाकी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या MID कह लीजिए या स्पीडोमीटर कह लीजिए, उसके आपको कंट्रोल्स यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ आपको मिलते हैं लाइट्स के कंट्रोल, फोकस मार, हाँ। यहाँ मिलते हैं आपको आपके वाइपर्स के कंट्रोल। जो इनर रेयर व्यू मिरर है आपको मिलता है ऑटोमेटिक, रोड साइड असिस्टेंट, SOS, ब्लू लिंक सब है इसमें। अभी यहाँ फोकस मारो, शायद फ्लैश ऑन करो, हाँ आप थोड़ा दिख जाएगा आपको। ये ब्लू लिंक का है, ये आपका रोड साइड असिस्टेंट, और यहाँ SOS, सॉरी थोड़ा एकदम से गले में खराश सी है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये इसका ग्लव बॉक्स है जो आपको कोल्ड मिल रहा है। बाकी स्पेस तो हर वेरिएंट में ही सेम है, ये नहीं कि किसी में कम ज़्यादा कर रही है कंपनी। यहाँ गए, यहाँ कुछ नहीं है, मेरे को पता नहीं बटन सा लगा रहा। यहाँ सबवूफर की प्लेसमेंट की गई है बॉस के, बॉस का 8 प्रीमियम स्पीकर। एक मिनट, मैं मास्क उतार रहा, कोई है नहीं आसपास। इस कार में आपको वही बॉस का 8 स्पीकर प्रीमियम सिस्टम मिल जाता है। बाकी ये जो AC वेंट्स, इनमें आपको सिल्वर सराउंडिंग्स मिलती हैं, टर्बो वेरिएंट में आपको ऑरेंज सराउंडिंग मिलती हैं। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, नीचे आपको यहाँ पार्किंग लाइट्स का बटन मिल जाएगा। ये इसके ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स हैं जो S वेरिएंट से आना शुरू होते हैं। AC कंट्रोल्स कह लीजिए या क्लाइमेट कंट्रोल, कुछ भी कह लीजिए, समझ आ जाता है बस। लैंग्वेज ईजी रखो, व्यूअर्स को समझ आए, ज़्यादा हाईटेक नहीं बोलने का। यहाँ पे मिलते हैं आपको 12 वॉट्स का चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट, ये भी आपको S वेरिएंट, इतना जो कंसोल है ये तो S वेरिएंट में आपको मिल ही जाता है। S वेरिएंट में बस इतना बड़ा आपको टच नहीं मिलता, हाँ टच मिल जाता है पर साइड में बटन होते हैं, इसमें बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसकी लुक बड़ी मस्त आती है। और वैनिटी मिरर आपको टॉप वेरिएंट में भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ड्राइवर साइड आपको, लेकिन पैसेंजर साइड जरूर मिल जाएगा बट विदाउट अ कवर। लैंप आपको बीच में मिलते हैं LED, वाइट LEDs। गेट खुला इसलिए बंद नहीं हो रहे, बाकी यहाँ से करना चाहूँ ये गेट वाला फीचर है। एक मिनट, ऑफ, बंद। अब मेरे को मैनुअली करने तो ऐसे कर सकता हूँ, वरना गेट पे रखनी है तो ये गेट पे है, अब गेट पे नहीं है। बीच में आपको सनरूफ का है कंट्रोल्स है, इसको आप देखते हैं, अगर गाड़ी में पेट्रोल है तो स्टार्ट करके भी देखेंगे। और बाकी ये इसका ऑटोमेटिक गियर नॉब है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी कार पार्क में या न्यूट्रल में नहीं है तो आपकी कार सेल्फ लेगी ही नहीं, खाली ऑटोमेटिक्स कार में बता रहा हूँ। पार्क में है तो ही गाड़ी का, अगर जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है तो ही कार का इग्निशन स्टार्ट होगा, वरना गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना ही नहीं है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। ड्राइव और रिवर्स में तो कार स्टार्ट होगी नहीं, न्यूट्रल या पार्क बस। यहाँ पे आपको सारे ड्राइव और ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आपके लेफ्ट साइड वेंटिलेटेड सीट्स का है, ये राइट साइड, एक ऐसे ऐसे करते जाओ आपकी स्पीड हाईएस्ट 3 है शायद इसमें नंबर, हाँ। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है इस कार में। हैंडल्स इसका स्लाइडेबल तो है नहीं, पर सामान रखने की जगह तो है। क्रेटा की मैनुअल वगैरह रखी हुई कस्टमर के लिए होगी या तो और क्या। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर शायद दिखाना रह गया। अंदर पैडिंग भी की जाती है Hyundai की तरफ से, काफ़ी अच्छी चीज़ है, लगभग सब करने लग गई हैं अब। बाकी जो आपके तीनों रूफ हैंडल्स हैं, ड्राइवर साइड तो खैर आता ही नहीं है, ये आपको मिलते हैं ऑटो फोल्ड वाले। और एयर बैग आपको बी पिलर्स पे भी मिल रहा है, एक और एक दो, यहाँ पे भी आपको एयर बैग नहीं आएगा फोकस में, अरे तेरी आ गया, क्या फ़ायदा सैमसंग का फोन लेने का। इस नहीं वेंटिलेटेड सीट्स हो गए इस साइड, तो हाँ मैनुअल ही मिलेंगी आपको सीट्स। और मैं आपको इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, एक बार इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एक बार दबाया मैंने, इसका ये ऑन हो गया ना, दबा रहा बर 11 किलोमीटर चलिए यार खाली। इसमें वो एनिमेशन आती है Hyundai की बनी हुई, आ क्यों नहीं रही, एक और बार दबाऊँ क्या, आ गई, आ गई। ये आपको अभी ऑन हो गया है। RPM आपको मिलते हैं इसमें एनालॉग,
ये भी आपको एनालॉग मिलेगा, फ्यूल कॉस्ट का सही है वैसे, डिजिटल में कई बार दिक्कत आ जाती है, इंजन हीट लेवलिंग है। अब आपको मैं इसके कंट्रोल्स दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये है ड्राइव का, ऐसी ड्राइव इसमें जैसे ये देखो, ये मैं प्रेस करूँगा, यहाँ कोई बात नहीं, आपको यहाँ देखो आप, ये मैंने प्रेस किया, अब मोड आ गया, अब मेरा ये कम्फर्ट मोड पे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करे जाऊँगा तो पहले देखो ये स्नो मोड, नीचे इसमें मड है, ये सैंड मोड है, और आपको दिखाऊँ, अब मैंने ड्राइव का अब ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए करा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया, इको मोड और ये स्पोर्ट मोड, बाकी हर किसी के लिए अलग अलग है, बहुत अच्छी लगती है बाकी एनिमेशन। टॉप एंड वेरिएंट और टर्बो वेरिएंट में ही मिल रही है खाली ये। और आपको व्यू मॉनिटर का अगर मैं दबाऊँ तो ये खाली स्टार्ट हो गई होता है, ये डाउट भी आज क्लियर कर दिया मैंने कहीं होगा। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है जो मैं बताना भूल गया, बाकी और इसका ये एयर प्योरीफायर और चालू हो गया है मान, और कुछ तो इसमें वो दिखाना रह नहीं गया, आप बंद कर देते हैं, और इसको बंद करना हो ये ऐसे बंद नहीं होगा, इसको बंद। अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स की तरफ, मैंने मास्क में अपनी तरह जेब में रख लेते हैं पहले। चलिए अब रियर सीट्स पे चलते हैं, गाड़ी में गेट नहीं लगे दूसरी वाली में, यहाँ पे आपको लेदर पैडिंग मिलती है, देखो अभी से ही गंदी हो रही है, ये नुकसान है, ये पैडिंग है लेदर, कोई प्लास्टिक पार्ट नहीं है। मैंने कर दिया ड्राइविंग सीट को पूरा पीछे, पुली पीछे है क्या, जा नहीं रही पीछे क्या है, ओ सॉरी पूरी पीछे है, ये भी थोड़ा सा हम लेटा देते हैं और बस, ये अब आ गए हम रेयर सीट्स, ओहो बैठ नहीं सकते पर स्पेस बहुत है, नीचे ना पन्नी लगी हुई है, कारपेट लगा नहीं है, कारपेट बेकार मिट्टी चिपक जाती है फिर कारपेट पे। रेयर सीट्स तो आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाएगा जिसमें आपको कप होल्डर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये वाले आपको क्रेटा के पैड्स भी मिल जाएंगे जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर था क्रेटा का, था क्या है अभी भी। चारों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, हैंडरेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, वेंटिलेटेड सीट पीछे तो है नहीं, आगे ही मिलेंगे, दिखा रखी है मैं ऐसे लग रही है। यहाँ पे आपको मिलते हैं कर्टन्स रियर टू विंडोज पे, जो आपको एस वेरिएंट में भी मिलती हैं, ये पावर विंडो कंट्रोल, बॉस की बैजिंग यहाँ भी की गई है, उधर भी है भाई, बूट में भी एक स्पीकर मिलेगा आपको, मैगजीन होल्डर आपको ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट दोनों के पीछे मिलेगा, रेयर एसी वेंट्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे, नीचे आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉकेट भी मिल जाएगी आपको, फोन चार्जिंग पे लगाए तो वहीं रख लो, बाकी जो कई स्कफ प्लेट्स लगवाते हैं ना आफ्टर मार्केट उससे तो अच्छी ये लग रही है, प्लेन क्रोम फिनिश भी आ गई और ये भी आ गई, इससे क्या है आपको ये थोड़ा आपका हो गया प्लास्टिक पार्ट कह लीजिए जो भी है, अगर आप स्कफ प्लेट लगाते हैं उसमें अगर यहाँ पानी रुक जाता है गाड़ी की वॉशिंग के बाद तो यहाँ पे आपको जंग पकड़ लेगा, रस्ट आ जाएगी, इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक अभी तो मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि प्लास्टिक है पानी इतना वैसे रुकता नहीं है इसमें, है कि आपको मोस्टली मैंने अब सारे फीचर डिफरेंस बता ही दिए, दो चार ही डिफरेंस है, और आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट रह गया है या मेरे से कुछ मिस हो गया है गलती से भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ मैं उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और अगर आप में से किसी को भी हुंडई कोई भी कार परचेस करनी है एज ऑलवेज यहाँ पे आप ट्रम्प हुंडई आ सकते हैं, ये आपको उस कार की बेस्ट डील प्रोवाइड करके देंगे और ये सबसे बड़ा शोरूम है फरीदाबाद का, और इनका स्टाफ एकदम इतना बढ़िया स्टाफ है ना, आपको बिल्कुल ऐसे सपोर्ट करेंगे ना, सेल्स में तो चलो हर कंपनी बस कई शोरूम वाले बस गाड़ी बेच दो गाड़ी बेच दो, सर्विस में कई बार दुखी हो जाते हैं, आप यहाँ सर्विस में भी दुखी नहीं होंगे मेरी गारंटी, आप यहाँ ज़रूर आएँ। बाकी नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू फाउंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस ऑन कार्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।